जो अपनी ज़िंदगी में कुछ पाने का हौसला रखते हैं वो अक्सर समंदर में भी पत्थरों के पुल बना जाते हैं। मनुष्य को कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करने वाले हैं 5 लाख लोगों के दिलों पर राज करने वाले एक्सपेरिमेंट किंग की और साथ ही में ऑलराउंडर एक्सपेरिमेंट की। जीरो से शुरू किया था और आज ये जीरो पूरा 5 लाख बन चुका है। तो जानते हैं इनकी कहानी। इनके पास 2 चैनल है यूट्यूब पर, पहला है ऑलराउंडर एक्सपेरिमेंट और दूसरा है एक्सपेरिमेंट किंग। इनके ओनर 4 बंदे हैं, पहला है शिवराज वैष्णव, दूसरा विशाल पारिक, तीसरा महिपाल सिंह राठौड़, चौथा दिनेश वैष्णव। नागौर जिले के एक छोटे से गांव में पलकर बड़े हुए ये चारों बचपन से ही दोस्त रहे। ये क्रिकेट के बड़े शौकीन भी माने जाते हैं। ये कोई भी काम करते हैं तो उसमें जान डाल देते हैं। जानते हैं शिवराज वैष्णव के बारे में। इनका जन्म 9 सितंबर 1997 को नागौर जिले के एक गांव में हुआ था। यह शुरुआत में पढ़ाई में काफी होशियार थे, मगर 9वीं कक्षा में यह मैथमेटिक्स में फेल हो गए। मगर इन्होंने हार नहीं मानी, एक बार फिर 9वीं कक्षा से पढ़ाई शुरू की। इसके बाद वे 9वीं कक्षा में दूसरे स्थान पर आए। 12वीं करने के बाद इन्होंने मात्र 3,500 रुपये महीने में एक नौकरी की, मगर इसके अंदर का टैलेंट कुछ और ही था और इन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया। वर्ष 2016 में एक YouTube चैनल खोला और 17 के सब्सक्राइबर होने के बाद वह चैनल टर्मिनेट हो गया। इसके बाद वे काफ़ी टूट चुके थे। फिर सॉफ्टवेयर करने के लिए जोधपुर चले गए। जोधपुर में रहते हुए इनको रुपयों की काफ़ी ज़रूरत थी और इन्होंने यूसी मीडिया में काम करना शुरू कर दिया। यूसी इनको काफ़ी सफलता मिली, यूसी न्यूज़ पर नाम कमाया, मगर इसके बाद इनको चैन नहीं मिला और यूट्यूब में 2 चैनल बनाए, पहला एक्सपेरिमेंट किंग और दूसरा ऑलराउंडर एक्सपेरिमेंट। इसके बाद सबसे पहला वीडियो पतंग और रॉकेट जो इनका वायरल हुआ और उसी वीडियो ने इनको सब्सक्राइबर, व्यूज़ और अपनी एक यूट्यूब पर फैमिली दिलाई। एक्सपेरिमेंट किंग के करंट में सब्सक्राइबर 5 लाख और ऑलराउंडर एक्सपेरिमेंट के 2 लाख सब्सक्राइबर है। विशाल पारिक, 25 मार्च 1995 में इनका जन्म हुआ था। शुरुआत से ही वे काफ़ी होशियार विद्यार्थी माने जाते थे, मगर पढ़ाई के साथ साथ इनको फ़ोन चलाना और इंटरनेट चलाना भी काफ़ी पसंद था। इनकी पढ़ाई की बात करें तो ये कॉमर्स के काफ़ी होशियार स्टूडेंट थे और इन्होंने MCOM कर रखी। शुरुआत में ये फैमिली बिजनेस संभालना चाहते थे। वर्ष 2016 में विशाल पारिक और शिवराज ने एक साथ मिलकर YouTube चैनल खोले और विशाल का चैनल 51K यानी कि 51,000 पर टर्मिनेट हो गया। इसके बाद ये एक जॉब लगने पर गुड़गांव चले गए और बस 1.5 साल बाद जॉब करके वापस लौट आए। शुरुआत में यूसी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म को विशाल पारिक ने खोजा और उस पर काम करना शुरू कर दिया। विशाल यूसी न्यूज़ पर धीरे धीरे छा गए और स्पोर्ट्स सीनियर एडिटर बन गए और अच्छी कमाई भी की। इसके बाद साथ ही शिवराज भी यूसी में लग गए और यूसी में काम करते करते इनको एक आइडिया आया कि यूट्यूब पर चैनल बनाते हैं और सब एक साथ काम करते हैं। काफ़ी दिनों बाद इन्होंने 2 चैनल खोले, पहला है ऑलराउंडर एक्सपेरिमेंट और दूसरा एक्सपेरिमेंट किंग, और सबको मोटिवेट किया और सब मिलकर इनके साथ काम करने लगे। आज विशाल यूट्यूब का जाना माना नाम है और लोग इनकी वीडियो देखना बेहद ज़्यादा पसंद करते हैं। महिपाल सिंह राठौड़, 21 नवंबर 1996 में इनका जन्म हुआ। ये पढ़ाई में शुरुआत से ही कमज़ोर माने जाते थे
और हमेशा स्कूल में हंसी मजाक करके सभी का दिल बहलाया करते थे। 12th करने के बाद ये जयपुर चले गए और होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने लगे, मगर इनको वहाँ पर अच्छा नहीं लगा और एक प्राइवेट नौकरी करने के लिए लगभग 6 महीने की ये नौकरी करने के बाद महिपाल ने ये नौकरी छोड़ दी और अपने गांव आ गए। विशाल पारिक और शिवराज वैष्णव को यूसी न्यूज़ में काम करते देख उन दोनों ने महिपाल को मोटिवेट किया और अपने साथ यूसी न्यूज़ में काम करवाने लगे। धीरे धीरे महिपाल भी अच्छी खासी कमाई करने लगे। इनके बाद महिपाल भी विशाल और शिवराज के साथ यूट्यूब की दुनिया में उतर आए और आज यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा चमकता चेहरा है। दिनेश वैष्णव, 1 जुलाई 1997 को दिनेश का जन्म हुआ। ये शुरुआत से ही पढ़ाई में बेहद ही ज़्यादा होशियार माने जाते हैं और 12th इनका ध्यान सिर्फ पढ़ाई में ही लगा रहा, मगर 12वीं पास करने के बाद वे अपने मामा के यहाँ चेन्नई चले गए। 1 साल बाद वापस आकर अपने फैमिली बिजनेस संभालने लगे। विशाल, शिवराज और महिपाल के साथ इन्होंने भी यूसी में काम करना शुरू कर दिया। यूसी न्यूज़ में दिनेश को काफ़ी बड़ी सफलता मिली और इन्होंने इन तीनों के साथ यूट्यूब में आने की ठान ली। यूट्यूब के साथ इनका साइड बिजनेस भी है जो कि यह फ्री खुद संभालते हैं। ये चारों लोग जब भी फ्री होते हैं तो इनके साइड बिजनेस में इनका हाथ बटाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मौज मस्ती करते हैं। दिनेश शुरुआत में खुद का बड़ा बिजनेस करना चाहते थे, मगर कहते हैं ना कि किस्मत कुछ भी करवा सकती है। आज के समय में दिनेश यूट्यूब के बड़े स्टारों में से माने जाते हैं और इनकी फैन फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये रही एक्सपेरिमेंट किंग और ऑलराउंडर एक्सपेरिमेंट के ऑनर की बात। लेकिन आपको इस चैनल पर धमाकेदार एक से एक एक्सपेरिमेंट देखने को मिलते हैं और ये कभी भी अपने को डीमोटिवेट नहीं करते हैं और इनके दिन में 3 वीडियो आती है, एक नहीं पूरी 3 वीडियो इनकी दिन में आती है, लेकिन फिर भी इन्होंने हौसला नहीं हारा। कई बार ये डीमोटिवेट भी हुए लोगों की वजह से, लोगों ने इनका हौसला हमेशा से तोड़ते रहे, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी। इन्होंने इनका कहना ये है कि अगर बिना मेहनत के हमें धन दौलत और सब ऐशो आराम मिलते हैं तो वो हमारे किस काम के, जब तक कि हमें उसके लिए मेहनत ना करनी पड़े। संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही ज़्यादा शानदार होगी, यही कहना है इन ऑनर के, ऑलराउंडर एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट किंग। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में ये चैनल बहुत बड़े हो जाए और जाने माने चैनलों में इनका नाम आने लगे। अगर आपको भी अगर ये कहानी अच्छी लगती है तो कहानी को लाइक कर दीजिए एक बड़ा सा और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी और ऐसी बायोग्राफी लाता रहूँ।